नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज़ पर। एक खास मुलाकात दर्शक हमारे साथ में देख रहे हैं, मैं हूं आपका होस्ट रत्नाकर। संगीत की अपनी एक अलग दुनिया होती है। संगीत से कहीं पांव थिरकते हैं तो कहीं सर थिरकते हैं, लेकिन जहां पांव और सर दोनों थिरकते हैं, ऐसे संगीत की आराधना जहां से होती है, आज हम ऐसे गेस्ट से बात करेंगे जो हमारे स्टूडियो में है। मैं स्वागत करता हूँ हमारे एनबीसी स्टूडियो में पिंकी पारस जी का। बहुत बहुत स्वागत है पिंकी जी आपका, और ये सौभाग्य है हमारे संतरा नगरी का कि आज हम यहाँ पर आई हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी किस तरह से रही है संगीत की, बचपन से लेकर अब तक। म्यूजिक जो है वो हमारे घर में ही है जी, पुश्तों से चलता आ रहा है जी। आपकी जो शुरुआत, जो बचपन ही आपका जो है संगीत से ही गुजरा है। बिल्कुल, सब लोग गाते हैं हमारे यहाँ। मेरे पापा जी भूपिंदर सिंह पारस, कीर्तन में बहुत नाम है उनका जी, प्रीस्ट जैसे बोलेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो है घरों में वो चलता है। तो आपने कीर्तन से ही शुरुआत की थी संगीत की? बिल्कुल। और फिर कीर्तन से शुरुआत करते करते पॉप, बिल्कुल। ये दौर कैसा, जो ये चेंज ऑफ फॉर्मेशन जो है ये कैसा रहा? ये मैंने नहीं किया, इसका क्रेडिट दलेर मेहंदी को जाता है जी हाँ। तो उसने शुरुआत की कीर्तन से, जो एक बदलाव था, जो दौर बदलता गया, सूफी है, फिर सूफी से फिर रॉक, और रॉक के बाद में फिर ये पॉप। सारे टाइटल मिले जब एक ने किया, फिर सारे उसको फॉलो करने लगते हैं ना जी। तो शुरुआत उसने की जी। आप मीका सिंह जी, दिलीप मेहंदी जी आपके भाई साहब हैं, आपके कजिन हैं, तो कैसे समय समय पर इनसे आपको गाइडेंस भी मिलता होगा? बिल्कुल, जब मैंने शुरुआत की तो मीका सिंह का जो गाना है सावन में लग गई आग जी, ये उसका पहला हिट था जी, और मेरा भी पहला हिट। और ये आपने, हमने सुना है कि ये वो इंडिया में नहीं, कहीं बाहर की बात है जहाँ पे आपने ये किया था और जिसको मिलियंस आपको व्यूअर्स मिले थे। हाँ, जरा उसके बारे में खुल के हमारे दर्शकों को बताइए वो कैसे था। वो फैमिली गैदरिंग चल रही थी जी, तो ऐसे गाने की बात चली तो उसने बोला कि तू कर सकती है, तेरे अंदर एक्स फैक्टर है। ओके, एक गायकी होती है, एक आजकल जो चल रहा है मिक्स मैच, मिक्स मैच जी, लुक सब कुछ मैटर करता है। तो उसने बोला तू कर सकती है तो तू कर कर ले, तुम्हारे बोला तेरा सावन कर लूँ, तो बोला कर ले। इस तरह सावन की शुरुआत हुई, उसने बोला और मैंने झट से कर दिया। आपकी बातों में, आपके व्यक्तित्व में एक अलग कॉन्फिडेंस दिखता है, तो ये कॉन्फिडेंस बचपन से था या करते करते बढ़ा है? एक्स फैक्टर की जो बात भाई साहब ने की थी, तो एक्स फैक्टर कहीं ना कहीं उसको क्लिक कर लिया था। कजन्स में सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, आप बड़ी हैं जी। दलेर से बड़ी नहीं हूँ लेकिन मेरे घर में मैं बड़ी हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस जो फर्स्ट चाइल्ड में होता है जी, वो सभी में होता होगा। जो ऑडियंस सुन रही है, उनका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसमें एक अलग ही, हाँ, मतलब माता पिता के बाद में वो कमांडिंग पोजीशन पर रहता है, तो वो कमांडिंग पोजीशन आपने पहले है। अपने आप को डॉन बोलती हूँ मैं, और कमांड करती हूँ घर को छोड़ के। नहीं, वैसे भी देखिए, कमांडिंग जो एक ये जो है जज्बा, और दूसरा आप जी बहुत पॉजिटिव वैसे, और दूसरा आप अपनी गायकी से भी दर्शकों को एक कमांड में अपनी ले लेती हैं। गायकी बोले तो उतनी सुरीली सिंगर मैं नहीं हूँ, फन के लिए करती हूँ ये तो हम जानते हैं, और आपके दर्शक हमारे दर्शक जानते हैं। मैं अपने आप के लिए करती हूँ, मैं जो भी कुछ करती हूँ मैं अपने आप के लिए करती हूँ। ये बहुत सही कहा आपने। देखिए, हमारे बीच में, हमारे अंदर में जो भी कला हो, सबसे पहले तो उस कला को हमने खुद एंजॉय करना चाहिए। जब हम उस कला को एंजॉय करते हैं तो हमारे साथ साथ में हमारे दर्शक जो है वो भी उसको। बहुत सारे सिंगर्स हैं जी, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, इतने सारे म्यूजिक शोज हैं जी। तो गाने की बात करेंगे तो हो सकता है उनकी लाइन में मेरी लाइन लगे ही नहीं, बहुत सुरीले लोग हैं, लेकिन जब हम अपने मन की बात करते हैं, अपने ख्वाबों की बात करते हैं, तो मैं अपने लिए गाती हूँ, अपनी खुशी के लिए गाती हूँ। जब आप अपने आप को खुश रखते हैं तो आपकी उस खुशी का जो दर्शकों तक जाता है, दर्शक भी खुश होते हैं, और हमने देखा है कि दर्शकों को कि आपकी गायकी से वो कितने खुश रहते हैं। अब तक की जर्नी में आज अगर मैं आपको इस वक्त कहूँ कि आपका एक मनपसंद गीत जो आपने गाया हो हमारे दर्शकों के लिए, आप दो लाइन गा दें। मैं सावन ही मेरा पहला सॉन्ग था जी, तो उसी की दो लाइनें आपको सुनाती हूँ जी। बिल्कुल, इना सावन में लग गई आग दिल मेरा, पूछो न क्या हुआ आज दिल मेरा। वाह, सावन में लग गई आग दिल मेरा। वाह,
बेहतर बाकी बेहतर। सॉन्ग आप मेरे यूट्यूब पे सुन सकते हैं, पिंकी पारस। आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, तो आप मेरे सारे सॉन्ग पी सुन आई एन सकते के हैं। वाई पी ए आर एस पिंकी पारस आप यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो कीजिए, और बहुत बेहतरीन सॉन्ग्स आप पिंकी जी के आप सुन सकते हैं। पिंकी जी, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? बहुत सारे मेरे सॉन्ग जो हैं लाइन में लाइनअप हो चुके हैं, आने को हैं। एक गाना मैं शूट करके आई हूँ, जी तो वो जल्द 1-2 महीने में सुनने को मिलेगा। और मुंबई में अभी 2-3 रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, 2-3 नहीं, बहुत सारी चल रही हैं एक्चुअली। जो सॉन्ग आपने अभी रिकॉर्ड करके आई, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए उसको गा सकती हैं प्लीज? कुड़ी पड़ी मैं मॉडर्न ना समझो मेनू पोली, पिस्टल मेरे कोल है रंदा चल जाऊगी गोली। कुड़ियां दी मैं बॉस कहावा बैंड बजा दूंगी, जो टेढ़ा टेढ़ा देखू ओदी वाट लगा दूंगी। क्या बात है, क्या बात है। ये गाना जो आपने गाया है, बिल्कुल आपने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर में बनाया है और बिल्कुल उसी को ही आपने गाया हुआ है। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी ये गाना गाने के लिए, बिल्कुल, वो आपके एटीट्यूड में है, आपके वो चरित्र में मेरे है। लिए ही बनाया गया, लिखा गया ऐसा। और ऐसे बहुत सारे गाने जो हैं दूसरे चाहने वालों ने मेरे लिए मेरी पर्सनालिटी को देख के बनाए हैं, और जल्द ही वो मैं रिकॉर्ड करने वाली हम भी हूँ। आपके पर्सनालिटी के कायल हो चुके हैं। संगीत, संगीत के बारे में कैसे हैं कि ये आपको हंसाता भी है, रुलाता भी है? बिल्कुल कोई ऐसा गीत आपने गाया हो जो रोने को मजबूर कर दे? नहीं, फिलहाल नहीं। करना चाहेंगे जो भावुक कर दे दर्शकों को मस्ती के साथ साथ? मस्ती के साथ जैसे जैसे मेरी इच्छा है कि मैं हर किस्म का गाना गाऊं। जी यहाँ पे मेरे फ्रेंड हैं दत्ता, उन्होंने बोला है कि मैं उस तरह का सॉफ्ट सॉन्ग गाऊं, रोमांटिक हो लेकिन सैड हो, जी तो फ्यूचर में मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। सो दत्ता, अगला गाना पहले रिकॉर्ड करूँगी। तो हम हर हर किस्म का भी गाना इंतज़ार करेंगे, मैं, बिल्कुल हर किस्म का गाना मैं चाहती एक हूँ गाऊं। वैरायटी जो है वो उसमें आनी चाहिए। संगीत के बारे में आप चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे संगीत के द्वारा ही? संगीत जो है वो हर गम से आपको मुक्त कर देता है, जब भी बिल्कुल सही, आप उदास हो, बहुत खुश हो, दोनों सूरतों में आप म्यूजिक का सहारा लेते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी जी आपका। हमारे दर्शक काफ़ी खुश है आपके यहाँ पे आने से, और इसी तरह से हम चाहेंगे कि आप संगीत की आराधना करते रहें, हमें रिझाते रहिए, दर्शकों को रिझाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार, और आपको ढेर सारी हमारी संतरा नगरी और इन बीसीएन की टीम से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्ते, सत श्री नमस्ते, अकाल। सत श्री अकाल।